मैम बैंक में जॉब करती हैं, कोटा में ही है और इनका एक हाथ नहीं है, फिर भी ये पूरा काम खुद करती है बिना किसी के सपोर्ट के। ये जो इन्होंने स्वागत है आपका मीडिया हाउस राजस्थान में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोटा आर्ट गैलरी पर, जहाँ पर SHE सोसाइटी हैज इव एक संस्था है जिसकी ट्रस्टी है निधि प्रजापति, उनके द्वारा विमेन एट वर्क की एक आर्ट गैलरी लगाई गई है। सभी महिलाओं की तस्वीरों को एक जगह पर सजाया गया और ये बताने की कोशिश की गई है कि महिलाओं का हमारे समाज में क्या योगदान है। जो महिलाओं को कमतर समझते हैं उनके लिए ये वीडियो खासकर है। निधि जी बताइए क्या है ये प्रोग्राम? देखिए ये जो प्रोग्राम है ये महिलाओं को सम्मान देने की कोशिश की गई है, क्योंकि महिलाएं ना केवल घर में काम करती हैं जबकि वो बाहर भी काम करती हैं, इसलिए बोला जाता है कि महिलाएं षष्ठी की सबसे सुंदर और सबसे श्रेष्ठ कृति है। आप जब इस पूरी एग्जीबिशन में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि महिलाएं घर के काम के अलावा वो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, IAS है, IPS है। अभी आप मेरे जो पीछे देख रहे हैं ये IAS हैं, मैम शुभम चौधरी हैं, कोटा के जिला परिषद में CEO हैं। ये यहाँ पे ये बता रहे हैं कि हमें वोट देना ज़रूरी है, वोट कैसे दिया जाता है। उसी तरीके से जब हम लोग ये सारी चीज़ें देखते हैं, हम लोग थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो यहाँ पे अब यहाँ पर सभी महिलाओं की तस्वीर लगी हुई है जो अलग अलग फील्ड्स में है। निधि की सहायता से हम जानेंगे, निधि हमको बताएंगे कि कौन किस फील्ड में महारत रखता है। हाँ निधि बताइए। मैम रेहाना चिश्ती हैं, ये बूंदी से हैं और हमेशा बहुत इनोवेटिव काम करती हैं, एजुकेशन फील्ड में हैं, टीचर हैं गवर्नमेंट में। इन्होंने यहाँ पर भी यही अपील की है कि जो आने वाला आगामी चुनाव है 29 अप्रैल हम सब के लिए एक महा उत्सव है, हम सब लोग अपील कर रहे हैं जनता से कि 100% वोट दें। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने इन्होंने ये कोशिश की है कि लोगों को मोटिवेट किया जाए कि आपको भी वोट करना है, इसीलिए ये जो दोनों फोटोज है सबसे आगे लगाई गई है कि एंट्री करते ही सबको लगे कि नहीं हमें वोट देना है। ठीक है, हम लोग जब आगे ये है नीरज गनु कुछ फिजिकली जी, ये मैम बैंक में जॉब करती हैं, कोटा में ही है और इनका एक हाथ नहीं है, फिर भी ये पूरा काम खुद करती है बिना किसी के सपोर्ट के। ये जो इन्होंने इससे ये पेन पकड़ रखा है और पेन पकड़ने के उससे कीबोर्ड का बटन दबा के ये काम करती है। अच्छा। तो हम लोग ये सोचते हैं कभी कभार कि अगर हमारे अंदर कोई कमी रह गई है तो उस कमी के चलते हम लोग कुछ कर नहीं सकते, लेकिन इस कमी के बावजूद इन्होंने एक समाज में माइलस्टोन स्थापित किया है कि महिलाएं जो है उनके अंदर कोई कमी नहीं होती, अगर कोई कमी भी है तो वो उसको पूरा कर सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं निधि जी। जो बच्ची है, नहीं मैं इसके बारे में स्पेशली बताना चाहूंगी, लक्ष्मी नाम है, लाक्षी नाम है, लाक्षी लाक्षी 9 साल की उम्र में जयपुर में रहती है। 9 साल की उम्र में ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा चुकी है। किस बात के लिए? इन्होंने एक साथ 131 मटकों पे डांस किया है, एक साथ 131 मटकों के अपने सर के ऊपर डांस किया है, जिसके लिए इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। 131 मटके एक साथ जी, इसकी जो दूसरी फोटो है 131 मटकों की वो आपको आगे मिलेगी। ये है, ये स्मितलाना है, ये मैम तेलंगाना से है, न्यूज एंकर है। इनकी फोटोज हमें इनके फ्रेंड ने भेजी थी, शी इज अ वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंकर। अच्छा, सोनू महाजन, दिस इज अ फोटोग्राफर फ्रॉम झारखंड। दिस फोटोग्राफी सेंड बाय द फोटोग्राफर सोनू महाजन, सो बिकॉज ही यूज टू गो इन द ट्राइबल एरिया। ये रूमा जी शायद अपने राजस्थान से ही हैं जिन्हें अभी सम्मानित किया जी गया। जी जी, ये बाड़मेर से अभी इनको सम्मानित किया गया था, क्योंकि ये महिलाओं को रोजगार देने का काम करती है, उनको स्किल्स सिखाती है, और इसीलिए महामहिम जी ने इनको सम्मानित किया है। और ये फोटो भी यहाँ इसीलिए ताकि जो यहाँ पे फीमेल्स आएंगे, बच्चे आएंगे एग्जीबिशन को विजिट करने के लिए, उनको एक इंस्पिरेशन मिले, प्रेरणा मिले, उनको लगे कि ये सम्मान हमारा बराबर हो रहा है। ये इसके बारे में बताइए आप। सुश्री संगीता ये उड़ीसा से हैं, ठीक है, भुवनेश्वर में ये जॉब करती हैं, इनकी आंखें नहीं हैं। तो ये तो न्यूज एंकर है आप जी, लगी नहीं रहा। ये न्यूज एंकर है लेकिन इनकी आंखें नहीं है, जब इनको कभी कुछ रीड भी करना होता है तो ये ब्रेल से रीड करती है। अच्छा, देख लीजिए इनकी तस्वीर, नाम भी पढ़ लीजिए, सुश्री संगीता। ये आर्मी को लेके अक्सर ये होता है कि महिलाएं नहीं जा सकती, महिलाएं नहीं आती। ये तो ये बांग्लादेश बॉर्डर पे विमेन कमांडोज हैं, जो हमारे बांग्लादेश और भारत की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी इनके कंधों पे दी हुई है। तो हम लोग ये सोचते हैं महिलाओं को हमेशा
घर गृहस्थी का काम करना चाहिए, तो सेफ जोन वाले काम है, टीचर बन जाना चाहिए, ऑफिस जाओ, ऑफिस के वर्क कर लो। अच्छा, ये फोटो रियल है? कई बार सोशल मीडिया पे शेयर करके लोग इसको फर्जी भी बताते हैं। जी, ये फोटो रियल है। रियल है, ठीक है। और आगे कुछ इंटरेस्टिंग, ये हमारी डिफेंस मिनिस्टर है, ये फोटोग्राफ जो है ये नेट से डाउनलोड की गई है। मैं नहीं कहूँगी हमें फोटो वुमन एम्पावरमेंट दिखा रहा है कि देश के सबसे बड़ी ताकत जी, इसीलिए इस फोटोग्राफ को यहाँ लगाया गया है ताकि लोगों को लगे कि जो वुमन एम्पावरमेंट है वो सिर्फ महिलाओं के साथ ही नहीं हो सकता। एक महिला पूरे देश को गवर्न करनी है, पूरे देश की रक्षा की जिम्मेदारी आज एक महिला के ऊपर है। ये तो बहुत बड़ी अपने आप में बात जी, इसीलिए हम लोगों ने इस फोटो को यहाँ रखा हुआ है। आईपीएस रूपा जी हैं, आईपीएस है जी। तो इनके बारे में अब तो मैं क्या कहूँगी, आप सबको मालूम है कि जो लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी होती है वो आईपीएस के ऊपर होती है, इसीलिए इस फोटो को भी यहाँ लगाया गया है। आगे हमारे पास एक और आईपीएस है। अच्छा, अभी आपको मैं एक दिखा देता हूँ। एसीपी स्वाति लाकरा की बात कर रही है क्या? जी जी जी। हाँ। तो ये वो आईपीएसएस हैं, एपीएस हैं, जो कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क कर रहे हैं सोसाइटी में और महिलाओं को प्रेरित कर रहे हैं। ठीक है निधि जी, आपसे एक सवाल मैं पूछूंगा। ये जितनी भी तस्वीरें हैं आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये आईपीएस आईएएस और जितने भी फील्ड्स हैं, डिफरेंट फील्ड्स पे जो महिलाएं एक्टिव हैं, सोशली एक्टिव हैं, कुछ बैंक में जॉब करती हैं, कुछ महिलाएं सेना में हैं, डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण थी, तो उनकी सबकी तस्वीरें यहाँ पर लगाई गई हैं। और उन तस्वीरों के माध्यम से ये बताने का पूरा प्रयास किया गया है कि जो महिलाएं हैं वो हमारे समाज में कम नहीं है, उनको कमता आप नहीं आंक सकते हैं। जैसे आप देख लीजिए सभी तस्वीरें, ये इधर जैसे रेणु श्रीवास्तव हो गया, ये अंकिता वाजपेयी हो गई, तो हर एक महिला यहाँ पर है, प्रीति रैनी हो गई, यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि कम से कम नहीं तो 500-100 तस्वीरें होंगी पूरी आर्ट गैलरी में लगाई गई हैं। और ये दिखाने की कोशिश की गई है कि महिलाएं हमारे समाज में किस तरीके से एक बढ़िया भूमिका निभाती हैं। आप देख लीजिए ये सारी तस्वीरें, जैसे इनका नाम है मीनाक्षी राजपूत, ये मीनाक्षी राजपूत हैं जिनके सामने आपका जूम किया हुआ है कैमरा हमारा। आगे चलेंगे तो कुसुम, और इसके आगे जब आप चलेंगे तो ये आस्था सक्सेना है, ये कोटा से ही है, इनके पिताजी ने अभी मेरे से मुलाकात भी करी थी और बता रहे थे कि ये गाती भी बहुत अच्छा है और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर काफ़ी टाइम से काम भी कर रही हैं। कई सारी महिलाएं हैं जिनको आप देख सकते हैं। तो कुल मिला के एक वीडियो खास कर उन लोगों के लिए है जो ये समझते हैं कि महिलाएं समाज की किसी भी श्रेणी में कमतर हैं। महिलाओं को ये माना जाता है कि उन्हें सिर्फ घर ही संभालना चाहिए और बाकी जो सामाजिक काम है, आर्थिक काम है, और किसी भी काम में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तो ये पूरी कोटा आर्ट गैलरी मैंने आपको घुमा दी, दिखा दी, तो अब आप खुद ही समझ लीजिए कि, और एक बात ये भी है, एक विडंबना भी है हमारे समाज की, कि आखिर क्या ऐसी ज़रूरत पड़ी कि महिलाओं की ताकत हमें फ़ोटो लगा के बताने की ज़रूरत पड़ रही है। पुरुषों पे तो ऐसा बहुत कम होता है। महिलाओं की ताकत का अंदाज़ा हम फ़ोटो लगा के बताने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं लोग कम समझ रहे हैं, तभी हमें दिखाना पड़ रहा है। ये सभी तस्वीरें आप देख लीजिए, जैसे जिसमें आपके सामने है पारुल अग्निहोत्री हैं, इसके बाद सुमन राजपाल हैं, रोहित नंदन हैं, एकता शर्मा हैं, अभिलाषा मौका हैं, ठीक है ना। तो कुल मिला के इस आर्ट गैलरी के जिस प्रोग्राम में हम आए हुए हैं, हमने आपको दिखाया कि सभी महिलाएं किस तरीके से हैं। निधि प्रजापति हैं जो SHE की ट्रस्टी हैं, सी एक संस्था चलती है, उन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया है। शहर की कई महिलाएँ भी यहाँ पर आई हुई हैं।